क्या एक दूसरे का खूब इस्तेमाल करते हैं जज और नेता? क्यों एक जज ने किया राजनीति में आने का खुला ऐलान? ये सवाल इसलिए क्योंकि इतिहास में ऐसे कई पन्ने हैं जो बताते हैं कि नेता और जज एक दूसरे का बखूबी इस्तेमाल करते हैं, और वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में इसका सबूत एक जज ने दिया, जिसने जज का पद छोड़ राजनीति में आने का ऐलान किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसा होगा तो न्यायपालिका यानी कोर्ट पर कौन भरोसा करेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपनी न्यायपालिका की नौकरी को अलविदा कह दिया है। इस जज ने दावा किया कि उन्हें सरकार के मुताबिक ही फैसला देने के लिए मजबूर किया जाता है, इसलिए वो अब जज नहीं रहना चाहते, वो राजनीति में आना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल अव्यवस्था और अराजकता के भयंकर दौर से गुजर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जज सरकार से संबंधित मामलों की सुनवाई की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे, और अगर ऐसा कोई मामला होता भी है और उस मामले में सुनवाई होती है तो फैसला सरकार के हक में देना पड़ता है, और ऐसा नहीं किया गया तो जजों को सरकार प्रताड़ित करती है, और इसलिए ही जस्टिस गांगुली सरकार में आना चाहते हैं। लेकिन जस्टिस गांगुली के राजनीति में आने के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं, और दावा किया जा रहा है कि आज के दौर में न्यायपालिका का भी राजनीतिकरण हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गांगुली के राजनीति में आने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता यानी लोगों का कोर्ट पर भरोसा कम हो जाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अभिजीत गांगुली पहले जज हैं जिन्होंने राजनीति का रुख किया है? शायद नहीं। और आज इन्हीं सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। आपको दिवंगत नेता अरुण जेटली की वो बात तो याद होगी जब उन्होंने कहा था कि जज जो फैसला देते हैं वो उनकी रिटायरमेंट के बाद नौकरियां पाने की इच्छा के कारण होता है, ये न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि एक तो सरकारें रिटायर्ड जजों को नौकरी देने का भरपूर प्रयास करती हैं, और अगर सरकारें नहीं करें तो वो खुद अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं। यानी अरुण जेटली ने यह साफ बता दिया था कि कैसे सरकारें जजों का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल अरुण जेटली कानून के जानकार थे और केंद्रीय कानून मंत्री भी रह चुके थे, और उनके इस बयान से ये तो स्पष्ट था कि कम से कम रिटायरमेंट के बाद तो जजों को अलग अलग पद ऑफर करने की लंबी परंपरा चलती रही है। क्योंकि जहां तक बात जजों के राजनीति में आने की है तो ऐसे राज्यपालों की लिस्ट अच्छी खासी है जो पूर्व में जज रह चुके हैं और अब राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए तो मौजूदा सरकार ने उन्हें सीधे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। वैसे इतिहास में न्यायपालिका और राजनीति के बीच सांठगांठ का सिलसिला देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौर से ही शुरू हो गया था। इतिहास में ऐसे वाक्य भरे पड़े हैं जिसके बारे में भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि नेहरू सरकार ने जस्टिस फजल अली के सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए ही राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की घोषणा कर दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर जस्टिस फजल अली ने 30 मई 1952 को जजों का पद त्याग दिया था और सिर्फ 8 दिन के अंदर ही 7 जून को उड़ीसा के राज्यपाल बन गए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो राजनीति में देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि राजनीति और न्यायपालिका के बीच घालमेल के उदाहरण भरे पड़े हैं। न्यायपालिका के सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच खींचतान के भी मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल कुछ सालों में जुडिशियल एक्टिविज्म चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप लगते हैं कि न्यायपालिका अपना दायरा लांघकर कार्यपालिका की सीमा में घुसपैठ करती है। इस कारण वर्तमान मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान भी देखने को मिली थी, क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन करने के लिए कानून लाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कड़वाहट चरम पर पहुंच गई थी। दरअसल पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक मौके पर कहा था कि संविधान के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कॉलेजियम सिस्टम शुरू कर दिया,
दुनिया भर में कहीं भी जज दूसरे जजों की नियुक्ति नहीं करते। जजों का मुख्य काम है न्याय देना, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आधे से ज्यादा समय जज दूसरे जजों की नियुक्ति के बारे में फैसला लेते रहते हैं। इससे न्याय देने का उनका मुख्य दायित्व प्रभावित होता है, जिसके बाद कोर्ट और सरकार के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी। खैर, यह समय समय पर होता रहा है, कभी कड़वाहट तो कभी मिलाप देखने को मिलता आया है, क्योंकि नेता और जज एक दूसरे का इस्तेमाल कई सालों से करते रहे हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि जजों को राजनीति में लाने और यहां तक कि राजनीति से न्यायपालिका में भेजे जाने की पुरानी परंपरा चलती आ रही है। तभी तो जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अगर रिटायरमेंट से पहले ही राजनीति में जाने के लिए पद छोड़ने की घोषणा की, तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी तो जस्टिस फजल अली को पद पर रहते हुए ही राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। इसलिए जहां तक बात जस्टिस गांगुली के जज पद त्याग कर राजनीति में जाने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता घटने का सवाल है, तो इसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। क्योंकि हैरानी की बात है कि जब कोई व्यक्ति जज पद पर होते हैं तो उनके पास नेताओं को अदालत में अपने सामने खड़े करने की शक्ति होती है, लेकिन राजनीति में जाकर वो खुद उन्हीं नेताओं के सामने घुटने टेक देते हैं। अगर कोई अपनी हैसियत में गिरावट स्वीकार करने को तैयार होता है तो निश्चित रूप से उसके बदले उसे बहुत कुछ हासिल होता होगा, क्योंकि विकसित देशों के मुकाबले भारत में जजों के वेतन भत्ते और सुविधाएं बहुत कम हैं। इस कारण जज अपने पद पर होते ही रिटायरमेंट के बाद का भविष्य संजोने में जुट जाते हैं। कुछ का राजनीतिक दलों से साठगांठ हो जाता है और जो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते या चाहकर भी सफल नहीं होते वो उद्योग जगत में बड़े बड़े पद पर तैनात हो जाते हैं, यानी बड़े पद पा लेते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में पूर्व जजों की बड़ी पूछ होती है और वो मोटी तनख्वाह पर कंपनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने शुरुआत में क्यों कहा था कि जज और नेता एक दूसरे का खूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों और वर्तमान में इसके सबूत हैं, और आगे भी अगर ऐसा होता रहा तो इसे एक देश की विडंबना ही कहा जा सकता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।